वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और अभी तक की क्लासेस में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी करंट के बारे में, और ऑलमोस्ट वो हमने क्लास टेंथ में भी पढ़ा था, तो वो बेसिक पार्ट है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था तो एक चीज़ नहीं बताई थी, विच इज कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी, कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। आपने देखा होगा हम लोग नॉर्मली अपने फ़ोन की बैटरी, आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ट्रेड में चल रहे हैं, तो हम मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछते हैं भाई कितने mAh की बैटरी है या ah की बैटरी है, एम्पियर आर या मिली एम्पियर आर, है ना, बैटरी है, पावर बैंक है, आप mAh की बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बैटरी टू स्टोर चार्ज, चार्ज या एनर्जी भी बोल देते हैं कुछ लोग। इट इज एबिलिटी ऑफ अ बैटरी टू स्टोर चार्ज, क्लियर है। और ये मेजर किस में किया जाता है? मेजर्ड इन एम्पियर आर, एएच लिखा होता है, एम्पियर आर या मिली एएच। तो ये कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी है, इसका भी पता होना चाहिए आपको अगर हम पढ़ रहे हैं बैटरी के बारे में। देखो जो बैटरीज होती हैं, जो सेल होते हैं, जो सेल और बैटरी होती हैं सेल, वो एक्चुअली बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी सेल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेल, और दूसरा सेकेंडरी। केमिस्ट्री में आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया मिलेगा, है ना, हमें भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में कई बार यूज़ होता है, तो हमसे पूछ लेते हैं भाई सेल कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? वी कांट यूज देम अगेन व्हेन दे यूज्ड अप। यानी प्राइमरी सेल क्या है कि एक बार यूज कर लो तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, आप बोल सकते हो नॉन चार्जिंग। जैसे आपके घड़ियों में सेल होता है, घड़ियों में सेल डालते हो आप, छोटी पेंसिल वाली बैटरी डालते हैं आप, टॉर्च में यूज़ करते हैं, रेडियो वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह चलाते थे उन सेल से, जो आजकल भी आप वॉल वाले वॉचेस लगाते हो वो नॉन चार्जेबल है। फिर आप देखते होंगे कि मरकरी वाले सेल्स होते हैं जो हम अपनी घड़ियों में डालते हैं, वॉचेस में, हैंड वॉचेस में, वो भी चार्जेबल नहीं होते, एक बार यूज़ करो और फेंक दो। यूज एंड थ्रो वाले सेल प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं, और सेकेंडरी सेल्स का मतलब है चार्जेबल। तो दे कैन बी यूज्ड टाइम एंड अगेन। बाय चार्ज करते जाओ, एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर लो, फिर डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर दो, बार बार यूज करते जाओ, वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं। तो आपको कैपेसिटी ऑफ बैटरी भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए सेल कितने टाइप के होते हैं। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, बाकी केमिस्ट्री में आपको इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया मिलेगा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल कंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। देखो मेरे सामने मान लो ये एक पेन है, पेन ना मान के आप ये मान लो ये कड़ा मेटालिक, मेटल का ये दिख रहा है आपको, ये मेटालिक है। इसी तरह से मान लो ये पेन है मेटालिक, आप अपने हाथ में लोहे का एक ग्लास देखो, जैसे मेटालिक ग्लास है ये ग्लास। अब सोचो कोई भी मेटल है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन तो है। मैं क्या कर रहा हूं, एक मेटालिक रॉड ले रहा हूं, ये मेरे पास एक मेटालिक रॉड है,
ये ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इस रॉड की लेंथ है ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द लेंथ। ऐसी कोई रॉड है बट इस बार ये मेटल की है, तो ये मेटालिक रॉड है और इसकी लेंथ क्या है, एल, एल क्या है, लेंथ है। अब आप देखो क्योंकि ये मेटल है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, हम जानते हैं मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है या मोशन में है, सोचो, रेस्ट में है मोशन में है, आपका आंसर है मोशन, मोशन, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो हो नहीं सकते, अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं, ऐसा हमें रदरफोर्ड ने बताया। थॉमसन के बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल, फिर नील बोहर का मॉडल पढ़ा, इन्होंने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है लगातार मूव करते हैं, और हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है हमें करंट देता है। सोचो, सोचने वाली बात है कि भाई मेटल में मेरे इस कड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहे हैं, तो क्या मुझे इससे करंट नहीं लगना चाहिए था, भाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या देता है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करंट देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब करंट इधर जनरेट होगी, पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से, तो भाई ये कड़ा मुझे करंट क्यों नहीं मार रहा, क्या रीजन है, रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो नेट करंट आई नेट इक्वल टू जीरो। भाई कंडक्टर ये मुझे करंट क्यों नहीं मार रहा, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं बट फिर भी करंट नहीं लग रहा, इसका मतलब इनकी जो नेट मूवमेंट है, नेट करंट जो है जीरो है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसकी वजह से इधर करंट बनेगी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उसकी वजह से इधर करंट बनेगी, और हर करंट का जो सम होगा टोटल दैट विल बिकम जीरो। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन से अपनी लाइफ में भी एक बात सीख सकते हैं कि अगर हम 10 अलग अलग पाथ की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, इसीलिए हमें अपने गोल की तरफ कंसंट्रेटेड होना चाहिए। देखो मेटल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बाद भी इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहे हैं बट फिर भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इनिशियली नेट करंट जीरो होता है। जितनी भी वेलोसिटीज होती है, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले वाले की वेलोसिटी U1 है, दूसरे वाले की वेलोसिटी U2 है, तीसरे वाले की वेलोसिटी U3 है, इसी तरह से कई करोड़, पता नहीं कितने अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सबकी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकाल के देखूं, एवरेज का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे डिवाइड कर देता हूं, इनिशियली इन सब का सम कितना होगा, जीरो, तभी तो करंट नहीं है। यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करो, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी,
पॉइंट इज व्हाट, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इन अ फ्री कंडक्टर इज जीरो। सुनो करंट, सुनो करंट, यानी हर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है बट सबका एवरेज कितना है, जीरो। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि सबका जो एवरेज है दैट इज, दिस इज द एवरेज एंड द वैल्यू इज जीरो। अब हमें इस बात को समझने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखो, ये कंडक्टर था आपके पास, मैंने इसी कंडक्टर को, यही कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यहां की लगा, इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहां पर आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, जिगजैग मोशन में थे इलेक्ट्रॉन्स, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, वही कंडक्टर उठाया मैंने जिसमें पहले बैटरी नहीं थी, अब बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाते के साथ ही क्या होगा, देखिए आप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सब एक तरफ मूव करने लगेंगे, इधर की तरफ, बैटरी के हाई पोटेंशियल की तरफ, क्लियर है? तो देखो, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। जब आपने बैटरी कनेक्ट की, मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पहले वो रुकेगा फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो शुरू में भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वेलोसिटी अलग अलग थी, अब बैटरी की वजह से उनके पास अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगी, पर इस बार सबकी डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखना, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, तो 100 मीटर पर सेकेंड टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतने के करीब इलेक्ट्रॉन्स होती की स्पीड होती है फ्री कंडक्टर के अंदर, स्पीड, नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी जो इनकी थी ना, ये एवरेज, ये 100 से लेकर के 10,000 के बीच में स्पीड हो सकती है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर। अब क्या हुआ, रैंडम मोशन था, बैटरी लगाते ही सभी के सभी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होंगे, पर सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी, ड्यू टू पुल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल द वेलोसिटीज विल चेंज। भाई पहले u1 u द वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम u1 u2 सो ऑन un टू v1 v2 सो ऑन v। मान लो पहले वेलोसिटी u1 u2 u3 थी जिनका एवरेज शुरू में जीरो था,
अब क्या होगा, बैटरी लगने से इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बैटरी अपनी तरफ खींचेगा, सबकी वेलोसिटी चेंज आएगा सब में कुछ। तो देखिए आप स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करना ना भूले बेटा, वो बहुत जरूरी है। देखिए आप, तो यहां देखिए अब जो है जो V1 है वो कितना होगा, U1 प्लस ए T1। भाई V इक्वल टू U प्लस ए T होता है ना, तो जो पहले वाले की वेलोसिटी वो ये हो जाएगी। अगर मैं दूसरे की बात करूंगा तो V2 इक्वल टू U2 प्लस ए T2। आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमने पढ़ा हुआ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, कि अगर किसी चीज पर आप ए एक्सेलरेशन दोगे, पुल कौन लगा रहा है, बैटरी, एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, बैटरी। तो बैटरी के एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो पहले यू थी अब वी हो चुकी है, और हर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होगा। क्लियर है? तो देखें आप इसी तरह से मैं nth वाले की बात करूं तो वी एन इक्वल टू un प्लस ए tn। यहां याद रखना ये टाइम है, पर ये टाइम थोड़ा एक अलग तरह का टाइम है, इसीलिए मैंने इसको अभी tau से डिनोट किया है। ये tau, tau बोलते हैं इसको, ये टॉर्क के लिए यूज करते थे हम लोग, इससे टाइम को डिनोट किया, और क्यों किया ये बाद में बताएंगे, बट दिस इज टाइम, ये ध्यान रखना। ये कौन सा टाइम है, क्या टाइम है, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते। अभी आप समझो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये फॉर्मूला हमने लगाया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसकी वजह से, बैटरी के एक्सेलरेशन की वजह से। अब देखो क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होगा कितना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो फोर्स एफ इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बैटरी फोर्स लगाएगा, बैटरी की ईएमएफ अगर ई है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला क्या होता है कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, पढ़ाया हुआ हमने, और जिसमें क्यू चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, ये आ गया। एक चीज हमने और भी पढ़ी है, एफ जो है वो एम ए के बराबर होता है, पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों में देखो फोर्स इक्वल है, तो ये जो एक्सेलरेशन बार बार मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, ये जो एक्सेलरेशन मैंने यूज किया है, जो मैं कह रहा था आपको कि बैटरी ने प्रोवाइड कराया है इलेक्ट्रॉन को, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एम ए इक्वल टू ई इंटू ई, ये। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए की, दैट इज स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एस, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल सेम फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन हर एक के ऊपर सेम है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी वाली है, और मास हर इलेक्ट्रॉन का सेम है, एक्सेलरेशन सब में सेम है, बट क्योंकि सबकी इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग थी तो फाइनल वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अब आप देखिए, नाउ हम क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी हमने एक्वायर की है ना, v1, v2, v3, इसका एवरेज निकाल रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी एक्वायर की हमने, इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी, ये वेलोसिटी हमें कहां से मिली, बैटरी लगाने की वजह से, इसको एक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो इन सभी वेलोसिटीज का अगर मैं एवरेज निकाल लूं, इन सभी का एवरेज निकाल लूं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि किसी भी कंडक्टर में जब आपने बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो वेलोसिटीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एक्वायर्ड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, उन सबके एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड में ये वेलोसिटी आपने एक्वायर की थी, इन सब का एवरेज क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा इसको और मूव करते हैं फर्दर, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें।
देखिए अब आप देखिए VD ये हमारे पास इस V1 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं इस V1 की क्या आएगा U1 प्लस AT1 यहां V2 की वैल्यू U2 प्लस AT2 अब क्या कर रहा हूं Nth वाले की डाल रहा हूं UN प्लस ए टी एन और सबके अपॉन में सबके अपॉन में एन इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं तो क्या याद रखना कंडक्टर के अंदर इतनी वेलोसिटी होती है स्पीड होती है पर फिर भी करंट जीरो होता है इस स्पीड की वजह से। अब आप देखें इन सबको मैं बाहर ले रहा हूं U1 प्लस U2 सो ऑन UN यहां से U1 यहां से U2 फिर U3 करके UN तक सबको बाहर निकाल के एक के नीचे N ला रहा हूं प्लस इसमें इसमें सब में A कॉमन है तो मैंने A बाहर निकाल लिया बचेगा कितना T1 प्लस T2 से ले करके TN डिवाइडेड बाय एन दो टर्म मिल गई आपको। आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज कितना था जीरो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये क्या मिला जीरो और यहां क्या मिला ए वन अच्छा ये टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री सो ऑन टी एन बाय एन इस सब की जगह आप ये यूज करो टाउ ये भी टाइम है पर एवरेज टाइम है तो आपके पास क्या एक्सेलरेशन आ गया ए इंटू टाउ। देखो यहां पर एक्सेलरेशन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है यहां पर एफ इक्वल टू ना माइनस आना चाहिए माइनस इसलिए आना चाहिए क्योंकि देखो ये कंडक्टर था ये करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं हाई टू लो जाना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन लो टू हाई आ रहा है इसीलिए ये माइनस का निशान आना चाहिए था ये मैंने यहां नहीं डाला था ये ध्यान रखिए आप ये डाल देंगे यहां माइनस का निशान और एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट कर दो तो माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ This is called the drift velocity. बेटा ये drift velocity है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई tau by m. इसको क्या बोलते हैं हम लोग drift velocity. Drift velocity. स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे को राउंड डाउन करो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। देखें इसके बाद ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने निकाली है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय कोई पूछे ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है तो माइनस साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्रिफ्ट करते हैं इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो दैट इज सिर्फ ई ई टाउ बाय एम और आपको पता है ई इक्वल टू व्हाट वी वी बाय डी आर पढ़ा होगा आपने तो वी बाय एल भी पुट कर सकते हो तो एक वैल्यू ये भी आ जाएगी EV tau by ML ये drift velocity का expression आता है ऐसे भी आ सकता है और याद रखना metallic conductor के लिए जो drift velocity है VD
इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10^-4 मीटर पर सेकेंड आता है, और इसी वैल्यू की वजह से आपको करंट मिलता है, आपको इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से करंट नहीं मिलता। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि कंडक्टर के अंदर, फ्री कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है और बैटरी लगाने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होती है, पर करंट आपको इस कम की वजह से मिलता है, इस ज्यादा की वजह से नहीं मिलता, क्योंकि ये रैंडम है। ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी लाइफ में सोचे तो कितना भी शार्प है इससे कोई मायने नहीं रखता। देखो ना कितनी ज्यादा स्पीड है, पर क्या करंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये देखो कितना कम है, पर ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में है। आपकी नॉलेज कितनी भी कम हो, लोग कहते हैं मेरा आईक्यू कम है, आईक्यू कितना भी कम हो, बट इफ यू आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स अ फिक्स डायरेक्शन यू कैन डेफिनेटली विन योर रेस। तो इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद भी आप देखो करंट कितनी तेज फ्लो करता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, 3-5 का क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्टली 3 marks में आता है, पर इसको 5 marks का भी बनाया जा सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको ओरली याद होना चाहिए, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। अब देखो एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था जिसके बारे में विदाउट एक्सप्लेनेशन मैंने उसको लिख दिया था, टाउ, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो टाइम था उसका सिंबल मैंने अलग से क्यों बनाया था। अगर अभी आपको याद हो, अभी याद क्यों नहीं होगा, अभी अभी हमने लिखा है कि टाउ इक्वल टू T1 T2 सो ऑन टाउ एन बाय एन, ये इसकी जगह मैंने ये लिख दिया था। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ध्यान रखें आप। मैंने उस डेरिवेशन में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेन करना भी नहीं है, अलग से पूछेगा आपसे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। भाई देखो, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और बिना फील्ड के भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे, एटम से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, तो जो कोलिजन का जो एवरेज टाइम है ना, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10^-14 सेकेंड के करीब होती है। ये भी बहुत कम होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये ध्यान रखें आप। रिलैक्सेशन टाइम इज दिस। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको लिख के सिर्फ ओरली बता दी थी, अभी लिखी नहीं थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बाहर से कोई बैटरी, कोई भी सोर्स लगाया हमने ईएमएफ का या वोल्टेज का, और इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एवरेज वेलोसिटी आती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, अभी मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम।
इसको ऐसे भी लिख दिया था स्मॉल ई वी टाउ बाय एम एल। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है इनवर्सली लेंथ के, लेंथ जितनी ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। आप सोचोगे लंबाई से वेलोसिटी का क्या लेना देना, पर यहां लेना देना है। ये देखो एक्सप्रेशन है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कोलिजन उतना ज्यादा उतनी बार होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। ये नॉर्मल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको लेंथ से लेना देना है। ये ध्यान रखें आप, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर मुझे कोई ग्राफ बनाने को बोले बोल सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्स रिलेशन है ऐसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, सही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मास ऑफ द कंडक्टर, ऐसा एक दो तीन चार पांच। एक ग्राफ जो कि ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। अब आप सोचो क्या इसमें कहीं टेम्परेचर है इस एक्सप्रेशन में, नहीं। क्या टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, नहीं। क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नहीं। क्या मास, नहीं। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये एवरेज टाइम है सक्सेसिव कोलिजन का। आप सोचो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो टकराने का टाइम है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ते ही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, कोलिजन का टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्योंकि टाइम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। एक ग्राफ और आ जाता है कभी कभी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ कंडक्टर। कुछ लोग तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट होता है, एरिया कितना भी चेंज कर लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होता। हाँ कुछ लोग इसको ऐसे भी पूछ देते हैं डायमीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डायमीटर ऑफ कंडक्टर या रेडियस ऑफ कंडक्टर, इससे भी इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि एरिया मतलब यही है ना, डायमीटर और रेडियस से ही तो चेंज होगा। तो ये ध्यान रखें आप कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया बढ़ाओगे घटाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे को राइट डाउन करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट जरूर करें। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमें पढ़ना है। क्या है वो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का आपको रिलेशन पढ़ना है। देखो ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E है। क्लियर है? हमें पता है I इक्वल टू व्हाट, I क्या होता है, I
इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये पढ़ा है सिंपल टेंथ से पढ़ते आ रहे, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। हमने एक चीज और पढ़ी है कि टोटल चार्ज निकालना है हमें, टोटल चार्ज ये क्यू है ये निकालना है आपको, इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा पहले ये निकालना है। माना लेट कंडक्टर हैव एन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। देखो ये आपके पास एक रॉड है, आप जानते हो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, हर एक मटेरियल किससे मिलके बना है, एटम से। अब एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेता हूं इसका एक मीटर, एक मीटर तो बहुत बड़ा होता है, मान लो ये एक मीटर है, इसके एक मीटर में एन इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितना माना मैंने कि एक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, क्लियर। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा कंडक्टर का, टोटल वॉल्यूम जो एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम है उसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस रॉड का आपको, इस सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे, एरिया इंटू लेंथ, क्लियर है, टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब एक मीटर में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ए एल एन। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया भाई, आपके घर के अंदर सपोज करो आपके घर में एक मीटर में एक बंदा बैठ सकता है, आपके घर का एरिया 50 मीटर है, तो मैं पूछूं कितने बंदे बैठ पाएंगे, तो एक एक बंदा है भाई, एक बंदे को बैठने के लिए एक मीटर जगह चाहिए, टोटल कितने बंदे हैं 50, तो कितनी जगह चाहिए होगी, 50 मीटर क्यूब। इसी तरह से एक मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल वॉल्यूम इस कंडक्टर का ए इंटू एल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ई, तो इस तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ए एल एन ई, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो ये टोटल चार्ज आ गया। यहां से करंट निकाल लो, आई इक्वल टू चार्ज की जगह क्या पुट करोगे, ए एन ई एल बटे में टी, ए एन ई एल बाय टी, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, तो ये क्या आ गया, ए एन ई स्पीड की जगह वी, और यहां मैं किसकी स्पीड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड की, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, देखें एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर बार आता है, किसी न किसी तरीके से ये घुमा करके आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सब्जेक्ट का। तो अब ये हमने रिलेशन पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ पढ़ा बहुत अच्छी तरह से, क्या है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि हम शुरू के दो तीन लेक्चर्स जो मैंने टेंथ बेस पे बनाए उसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, V इक्वल टू आई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके ओम्स लॉ को प्रूव करके दिखाओ। शुरू कहां से करना है आपको? ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। प्रूव क्या करना है आपको? ओम्स लॉ। शुरुआत ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्रूफ ओम्स लॉ। या कभी कभार आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोलता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव ओम्स लॉ, प्रूव ओम्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यार। देखो, हमने अभी पढ़ा था, एक खास रिलेशन पढ़ा हमने कि करंट जो होता है, अभी निकलवाया था, ANEBD होता है, अभी पढ़ा हमने करंट ये। इससे पहले हमने इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी और VD किसके बराबर आता था? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और ई को मैंने V/LB लिखा था, EV टाउ बाय ML हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने E = वोल्टेज अपॉन लेंथ लिखा था, ये तो यही वैल्यू E की जगह डाल दी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों रिलेशंस को यूज कर रहा हूं, I = ANE तो है ही, और VD की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या पुट करूंगा VD की जगह? स्मॉल EV टाउ बाय ML। अब देखो, ए तो एज इट इज, एन एज इट इज, ई और ई स्क्वेयर, यहां टाउ डिवाइडेड बाय ML और साथ में ये वी आ गया और ये आ गया, तो V = ML। इसको इधर भेज दो, ML ये पूरा नीचे आ जाएगा, ANE² टाउ साथ में आई। और ओम्स ने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर हो और उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट हो, यानी कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर का नेचर, टेम्परेचर, तो V = I होता है, यही कहा था ना ओम्स ने। और देखो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये जो है आपका ML / ANE² टाउ, ये एक कांस्टेंट है बेटा, और इसी कांस्टेंट को आप रेजिस्टेंस कहते हो। ओम्स लॉ हमारा यही प्रूव हो गया, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। इस तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का यूज करके ओम्स लॉ को प्रूव किया, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। और आपको रेजिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन याद रखना है, आपने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीजें नहीं पढ़ी थी, पर अब आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस का जो जेन्युइन एक्सप्रेशन है, रेजिस्टेंस = ML / ANE² टाउ। ये अगर कोई बोले आपको रेजिस्टिविटी निकालो, तो रेजिस्टिविटी आपको पता है क्या होता है? R A / L होता है रेजिस्टिविटी। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो यहां, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? ML / ANE² टाउ, ये रेजिस्टिविटी है आपके पास, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डालती, यहां पर आप A डालो और यहां पर L, क्योंकि R की वैल्यू है ये ML / ANE² टाउ, और यहां A और L है, तो ये A और ये A कैंसिल आउट, ये L और ये L कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी का नया फॉर्मूला कितना आ गया? M / ANE² टाउ। तो ध्यान रखें, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? M / ANE² टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से आप रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो।
अगर कोई बोले यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड रेजिस्टिविटी, तो ये करके आप ऐसे करके दिखाओगे, फाइंड रेजिस्टेंस तो यहां तक दिखाओगे, क्लियर है। तो ये हमने ये चीजें पढ़ी हैं, कितने हो गए 45, तो हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं। अब आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, अगली क्लास में हम उससे आगे फर्दर मूव करेंगे। तब तक वीडियोस को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और डाउट्स के लिए कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।